नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारे एक YouTube व्यूअर ने सवाल किया है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे कौन से चक्र एक्टिव हैं। इस वीडियो में मैं इसी सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि मेरे कौन कौन से चक्र एक्टिव हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं हर एक चक्र की अपनी फंक्शनलिटी को। एक मिनट के अंदर, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो पहले बनाया होगा कि हर चक्र का अपना अपना फंक्शन क्या है और आपको किस चक्र पर फोकस करना है। इसके लिए समझ लेते हैं रूट चक्र, यानी मूलाधार, जो रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में होता है। इसका फंक्शन है आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी देना और आपकी सेहत को ठीक रखना, आपकी हेल्थ को ये कंट्रोल करता है। अगर आप डेली बेस पर अपनी एक्सरसाइज ठीक से करते हैं और अपने अंदर पॉजिटिव अफर्मेशन डालते रहते हैं, तो ये चक्र आपका बैलेंस रहेगा। ये चक्र बैलेंस है तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। दोनों चीज़ें वाइस वर्सा हैं। ये चक्र अगर बैलेंस है तो आपका मन, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर जो है वो एक्टिव रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, आलस नहीं होगा शरीर में और नॉर्मली आप हमेशा स्टेबल फील करेंगे। तो ये है चक्र बैलेंस होने का। इम्बैलेंस होने का है, ये सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। शरीर में आलस भरा रहेगा, आपको इनसिक्योरिटी की फीलिंग आएगी, आपको फियर लगेगा और आपको मन में नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आएंगे। मेरी जितनी नॉलेज है, क्योंकि मैं प्रभु की कृपा से, मुझे आँखों से सबके चक्र दिखाई पड़ते हैं, इसलिए मैंने देखा है कि लगभग 70% लोगों का ये चक्र डैमेज पड़ा होता है। इंडिया में जितने भी लोगों से मैं मिलता हूँ, तो ग्रुप में अधिकतर लोगों की ये हालत होती है कि ये चक्र डैमेज होता है। तो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों की भरमार है और इसका एक बिल्कुल सिंपल तरीका है इसको ठीक करने का, वो है अपनी डेली बेस पर अपनी एक्सरसाइज करना। दैट्स इट। अगर आप पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, ये पृथ्वी तत्व अगर आपका बैलेंस होगा, यानी मिट्टी से संपर्क आपका हो सके, अगर आप बागवानी करते हैं, नंगे पैर घास पर या मिट्टी पर चलते हैं, तो ये चक्र आपका बैलेंस रहेगा। इतनी सिंपल सी चीज़ है, इसको बैलेंस रखिए। ये आधार है जिस पर ये पूरी बिल्डिंग टिकी हुई है। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि अगर आपके अंदर ये चीज़ें, ये सिम्टम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, अकॉर्डिंगली आप जान सकते हैं आपका चक्र बैलेंस है या इम्बैलेंस है। दूसरा, स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र, ये नाभि से लगभग 3 इंच नीचे जेनिटल्स के पीछे होता है। इसका कलर जो है वो ऑरेंज है और इसके जो फंक्शन है वो है क्रिएटिविटी और सेक्सुअलिटी। ये दो चीज़ों को कंट्रोल करता है मेनली, मुख्य तौर पे। अगर आपके अंदर जीने का बहुत अच्छा शौक है, आपके अंदर कोई पैशन है और आप उस पैशन को सही ढंग से यूटिलाइज करते हैं, तो आपका ये चक्र बैलेंस होगा। ये अधिकतर लोगों का ये चक्र 50% लोगों का बैलेंस और इम्बैलेंस के बीच में रहता है, मतलब 50 बैलेंस 50 इम्बैलेंस रहता है, क्योंकि ये मुझे जो आंखों से दिखता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब इसमें क्या है, इसमें जो प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि सेक्सुअलिटी को लेकर लोगों ने बहुत सारी नेगेटिव धारणाएँ बना रखी हैं, जिसके कारण ये चक्र इम्बैलेंस हो जाता है। इसको, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप अपने इसको स्वीकार करें कि ये जीवन का एक हिस्सा है और इसको लेकर बहुत चिपकना भी नहीं है इस चीज़ के साथ, और इस चीज़ को लेकर मन में नेगेटिव फीलिंग भी नहीं लेकर आनी। वेरी सिंपल, एक्सेप्टिंग द रियलिटी, दैट्स इट। इतना, और इसके साथ साथ अपने जीवन में कुछ क्रिएटिविटी लेकर आना। अगर आप अपने जीवन में कोई क्रिएटिविटी, आपको जीवन में इंटरेस्ट है, आपकी इंद्रियां जो हैं वो आपको, आपकी इंद्रियां एक्टिव हैं, आपको सेंसेशंस फील होते हैं, आपको जो विजुलाइज करना आपको फील होता है, आपको मैं बोलूं कि क्या आपको ठंडी बर्फ का एहसास हो रहा है, अगर आपको फील होता है, इसका मतलब है कि ये चक्र आपका बैलेंस है। और ये नहीं होती ये चीज़ें, तो ये इम्बैलेंस है। और अगर ये इम्बैलेंस होता है, तो उस व्यक्ति का दिमाग जो है वो या तो ओवर सेक्सुअलिटी में पड़ा होता है या वो नशे में पड़ा होता है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल मिलती जुलती हैं, क्योंकि दोनों में पैशन इन्वॉल्व है लेकिन गलत दिशा में। बस इतना समझ लीजिए, इसको ठीक करने का सिंपल सा तरीका है, अपनी क्रिएटिविटी अपने जीवन में लेकर आएं, कुछ ऐसा करें जो क्रिएटिव हो, गाना गाएं, सिंगिंग करें, डांसिंग करें, कुछ क्रिएटिव करें जिससे इस चक्र का ठीक से यूटिलाइज हो सके। आपको पता चल जाएगा कि ये बैलेंस है या इम्बैलेंस है। वैसे हर चक्र को फील भी किया जा सकता है और इसका टेस्ट भी करवाया जा सकता है, अपना ऑरा पिक्चर भी निकलवाया जा सकता है, ये भी तरीके हैं। एनीवे, आप इन सिम्टम को देखकर भी पता लगा सकते हैं चक्र के बैलेंस होने का। तीसरा चक्र, मणिपुर चक्र, जो कि नाभि से लगभग 2 इंच 2.5 इंच ऊपर है, तो इस चक्र का जो कलर है, मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्सस जिसे कहा जाता है, इसका कलर येलो है। और इसके अंदर जो गुण हैं वो हैं आपके आत्म सम्मान की भावना, सेल्फ रिस्पेक्ट होना, फियरलेस होना और
पद यश और धन यानी दुनिया में आपका मान सम्मान होगा अगर ये चक्र बैलेंस होगा। अगर ये इम्बैलेंस होगा तो आप मेहनत बहुत करेंगे लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा वैसा। ये आपके शरीर का सूर्य तत्व है। सूर्य तत्व जो है अगर आपके जीवन में अच्छा है तो आपकी खूब सूर्य की तरह आपका भी प्रकाश दुनिया में फैलेगा। ये है आपका मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र के बैलेंस होने से आपके अंदर निडरता आती है, निर्भयता आती है। आप जीवन की समस्याओं को, चैलेंजेस को स्वीकार कर सकते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है और आपका मान सम्मान होता है और पैसा होता है। ये चक्र बहुत 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 जरूरी है और ये जुड़ा हुआ है सूर्य से। तो सूर्य इस चक्र को बैलेंस करने के लिए सबसे बेहतरीन साधन है सूर्य देव के दर्शन करना। सूर्य देव के उठ के जो सुबह का टाइम होता है, सूर्योदय से एक घंटे के अंदर अंदर आप 10 मिनट के लिए सूर्य के सामने खड़े हो जाएं और आपके पूरे शरीर पर यहां तक सूर्य की लाइट पड़नी चाहिए। इतना ही ध्यान रखें, आप श्रद्धापूर्ण हो या ना हो ये बट साइंटिफिक सी बात है, ये आपकी मर्जी है। श्रद्धापूर्ण होंगे थोड़ा और ज्यादा रिसीव कर पाएंगे, बस इतना समझ लीजिए। और पूरे शरीर पर 10 मिनट के लिए सूरज की रोशनी पड़े, विटामिन डी आपको मिलता है और एट द सेम टाइम बॉडी के सारे चक्रों को ऊर्जा मिलती है, तो चक्र बैलेंस हो जाते हैं। सूर्य की तरह आपका भी प्रकाश, आपका भी यश दुनिया में फैलता है। तो अगर ये चीजें आपके जीवन में पॉजिटिव हैं, पद है, यश है, मान सम्मान है, तो ये चक्र आपका बैलेंस है। और अगर इसका उल्टा है यानी मान सम्मान नहीं मिलता, पैसे की शॉर्टेज पड़ रही है और कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, मन में डर बना रहता है या कॉन्स्टिपेशन रहता है या डाइजेस्टिव सिस्टम अगर गड़बड़ करता है, पेट में खराबी रहती है, तो समझ लीजिए आपका ये चक्र इम्बैलेंस है। इसी तरीके से इसको बैलेंस करने के लिए मैंने कहा सूर्य देव का दर्शन और साथ में कपालभाति आप करना चाहें तो कपालभाति के 300 स्ट्रोक्स हर इंसान के लिए जरूरी हैं। लेडीज के लिए 200 स्ट्रोक्स हो सकते हैं, जेंट्स के लिए 300 स्ट्रोक्स जरूर कर लें। कपालभाति करने से सीधा मणिपुर चक्र बैलेंस होता है, न केवल मणिपुर बल्कि सैक्रल और हृदय चक्र पर भी इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। तो ये है तीसरा। चौथा चक्र जो है वो हृदय चक्र। हृदय चक्र का बिल्कुल सिंपल तरीका है, हृदय चक्र है वायु तत्व से बना हुआ, ग्रीन कलर की ऊर्जा है यहां पर। ये तत्व, ये चक्र रिस्पॉन्सिबल है आपके रिलेशनशिप्स के लिए। दिल में प्रेम कितना है, करुणा कितनी है, आपकी एनर्जी अगर हृदय के लेवल पर टिकी हुई है तो आपका लोगों के प्रति प्रेम होगा, करुणा का भाव होगा, दया का भाव होगा, लोगों के प्रति सेवा का भाव होगा। और ये चक्र अगर इम्बैलेंस है तो आपके मन में छोटी छोटी बातों को लेकर आप मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट हो जाती होगी, आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, यानी कि छोटी छोटी बातें दिल पर लग जाती हैं, ओवर इमोशनल हो जाते हैं और गुस्सा बहुत आता है और अपने मूड जो है वो बार बार स्विंग करता रहता है। कभी बहुत प्यार करेंगे, कभी बहुत नफरत करेंगे, किसी व्यक्ति के प्रति बिल्कुल मर मिटेंगे और फिर वहां से चीटिंग मिलेगी, धोखा मिलेगा तो फिर वो दोष देंगे। ये है हृदय चक्र की का जो लेवल है। हृदय चक्र अगर बैलेंस होगा तो आपका सबके प्रति पॉजिटिव खुशनुमा व्यवहार होगा, आप बोल्ड होंगे, साहसी होंगे, लोगों के साथ बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। अगर ये इम्बैलेंस होगा तो आप इमोशनल होंगे और लोगों पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर पाएंगे। बहुत जल्दी ट्रस्ट करने से आपको बार बार चीटिंग मिलेगी और फिर आप एक दिन परेशान होकर कहेंगे कि नहीं नहीं मुझे तो विश्वास ही नहीं करना, किसी पर भी विश्वास नहीं करना। इस चक्र को बैलेंस रखिए। इसको बैलेंस रखने के लिए क्या करना है, जोर जोर से ब्रीदिंग लेना और प्रकृति के समीप रहना। ये ग्रीन कलर का चक्र है, ग्रीन कलर हृदय का जो है ग्रीन कलर है, तो प्रकृति के समीप रहना इसकी नीड है। और अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, रिलेशंस में किसी से भी कोई उम्मीद ना करें, अपना बेस्ट जिसको दे सकते हैं वो दें, लेकिन किसी से उम्मीद ना करें कि इस व्यक्ति को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, ये गलत वो गलत। अगर आप ऐसा रखते हैं तो आप परेशानी अपने लिए मोल लेंगे, ये चक्र इम्बैलेंस हो जाएगा। किसी के प्रति बुराई ना करें, किसी के प्रति नेगेटिविटी ना क्रिएट करें, हृदय चक्र को बैलेंस रखना है। और इसके लिए फास्ट ब्रीदिंग एक बहुत ही अच्छा साधन है। 10 मिनट के लिए भस्त्रिका और कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये तीन एक्सरसाइज, तीन प्राणायाम जो हैं आप तीन तीन चार चार मिनट के लिए भी कर लेते हैं तो भी ये चक्र आपका बैलेंस हो जाता है। जब कभी लगे आपको कोई ऐसी दिक्कत है कि आप मन बहुत नेगेटिव सोच रहा है तो समझ लीजिए कि आपका हृदय चक्र इंबैलेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए तुरंत जोर जोर से इनहेल एक्सहेल करें, इस तरीके से करें तो बहुत जल्दी ये चक्र बैलेंस हो जाएगा।
और लोगों के मामलों में ज्यादा इंटरफेयर ना करें, जैसे हैं लोगों को स्वीकार करें। यह है हृदय चक्र। पांचवा चक्र कंठ चक्र। कंठ चक्र को बैलेंस करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये चक्र बैलेंस होगा तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे, लोगों पर आपकी बातों का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, आप लोगों को बड़ी जल्दी कन्विंस कर पाएंगे, आपकी वाणी में मिठास होगी, मधुरता होगी, अगर ये चक्र बैलेंस है। अगर ये इम्बैलेंस है तो आपके कहने पर लोग कन्विंस नहीं होंगे, आपकी जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाएंगे, दिल की बात दिल में रह जाएगी, तो ये चक्र का इंबैलेंस होने का पता है, नतीजा है। और ये इसकी और गड़बड़ क्या होती है, जो लोग बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं उनका ये चक्र इंबैलेंस हो जाता है। तो बैलेंस और इंबैलेंस के आप अच्छे से समझ गए हैं। इसको बैलेंस रखने के लिए सबसे इजी अच्छी जरूरी चीज है वो है झूठ ना बोलना जहां तक संभव हो सके, और भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम सिर्फ और सिर्फ अगर आप 3 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए भ्रामरी कर लेते हैं। भ्रामरी में करना क्या होता है, श्वास को अंदर भरा और हमिंग करते हुए छोड़ा, इस तरीके से बस इतना करना है, और ऐसा आपने 3 से 4 मिनट करना है, ये चक्र आपका इंबैलेंस हो जाएगा। पांचवा उसके बाद आता है आपका ये थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र अगर बैलेंस है आपका तो आपके जीवन में एक बैलेंस होगा, दिल और दिमाग के बीच में एक बैलेंस, एक सामंजस्य होगा, एक हार्मनी होगी। ये चक्र जब भी बैलेंस होगा तो आपका मन जो है वो अध्यात्म की तरफ चलेगा, आपका मन जो है वो नई नई शक्तियां पाने के लिए तैयार होगा, या मेडिटेशन करने का आपका दिल करेगा। ये चक्र बैलेंस होगा तो आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होगी, लोगों का माइंड रीड कर पाएंगे, घटनाओं का आपको पहले से आभास हो जाएगा, और टेलीपैथी की पावर भी डेवलप होती है। ये है आपका थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र जब इम्बैलेंस हो जाता है तो उस व्यक्ति की स्थिति बड़ी खराब होती है, और उसका मन जो है वो पागल की तरह बिहेव करता है, कभी एक इसी बात पर टिकता है, कभी किसी और बात के पीछे दौड़ता रहता है, उसका मन टिकता नहीं है, शांत नहीं होता। ये निशानी है आपके, नींद गड़बड़ हो जाती है, ये आपके थर्ड आई चक्र के इम्बैलेंस होने की निशानी है। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, इसको बैलेंस होने के लिए थर्ड आई की एक्सरसाइज कीजिए। मैंने उसके लिए बहुत सारे वीडियो पहले शेयर किए हुए हैं। थर्ड आई को और सही ढंग से मेडिटेशन करना सीख लीजिए। अगर आप 10-15 मिनट के लिए ब्रीदिंग मेडिटेशन कर सकते हैं तो वो आपके सीधे इस चक्र को बैलेंस कर देता है। और अगर आपके कोई गुरु हैं तो अपने गुरु का ध्यान थर्ड आई में किया जाना चाहिए। आपके कोई इष्ट हैं तो इष्ट का ध्यान जो है वो थर्ड आई में कीजिए, तो ये चक्र बैलेंस हो जाता है। और इसके बाद आपका बचता है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र आपकी चेतना का शिखर है, यहां पूरी तरह शिवत्व की अवस्था उपलब्ध हो जाती है। अगर आपका यह चक्र बैलेंस है, जो कि अधिकतर लोगों का होता है, मेरे हिसाब से 95% लोगों का यह चक्र बैलेंस होता है। यह चक्र केवल तब इंबैलेंस होता है जब आप कोई बहुत ही हीनियस क्राइम करते हैं, कोई बहुत ही किसी की बहुत बुरी तरह से बददुआएं लेते हैं, या अपने माता पिता या गुरु का अपमान करते हैं, तब यह चक्र इंबैलेंस होता है। इस चक्र के इंबैलेंस होने का मतलब जो है बड़ा सीरियस होता है, कि आप अपने जीवन का पर्पज ही खो देते हैं। तो ऐसा ना हो, और गुरुजनों का, बड़ों का, माता पिता का सम्मान करें, उनका हाथ अपने सिर पे आए ऐसा प्रयास करें, उनके आगे झुकें, उनका आशीर्वाद लें, तो ये चक्र बैलेंस रहेगा। परोपकार करें, लोगों की दुआएं लें, तो ये चक्र बैलेंस रहेगा। ये चक्र जब भी इंबैलेंस होता है तो बहुत बुरी हालत होती है, ये एक तरीके से जड़ है। अगर ये इंबैलेंस है तो सारे के सारे चक्र गड़बड़ हो जाते हैं। तो बहुत ही रेयर लोगों का मैंने इसको इंबैलेंस होते हुए देखा है। अगर ये इंबैलेंस हो तो तुरंत जो है अपने गुरुजनों को, बड़े माता पिता या और कोई जो बड़े हैं घर में, उन सबको माथा टेक कर, अपने इष्ट के आगे माथा टेक कर बार बार प्रार्थना करनी चाहिए कि इस चक्र को बैलेंस कर दीजिए। अगर ये चक्र बैलेंस होगा तो आपके जीवन में एक मोटिवेशन होगा, आपका जीवन आपको बार बार प्रेरित करेगा कि कुछ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और ये चक्र आपको हमेशा ऊपर उठने की प्रेरणा देगा, आपको जीवन में जो परम लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बार बार आपको प्रेरित करेगा, आपको टिकने नहीं देगा, आपको आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेशन देता रहेगा। अगर ऐसा है तो ये चक्र आपका बैलेंस है। और अगर इस चक्र में सेंसेशन भी फील होती है तो समझ लीजिए कि चक्र और बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है। इस चक्र के सेंसेशंस के बारे में मैंने बहुत डिटेल में 2 वीडियो डाले हैं, जिनका लिंक नीचे दिया हुआ है। सभी वीडियोस के लिंक आप देख सकते हैं। चक्रा से संबंधित और भी डिटेल में वीडियो डाले हुए हैं,
आप इनको देखकर जान सकते हैं कि आपका कौन सा चक्र बैलेंस है, कौन सा इम्बैलेंस है। इसके द्वारा आपको जीवन की अच्छे से गाइडेंस मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी इन चक्रों को समझने में। आप बड़े ध्यान से इनका इस वीडियो को अच्छे से देख लें और इसको समझ के अपने चक्र की पोजीशन पता लगा लें, जो जो कमियां हैं उसको पूरा करें। सेवन चक्रास को लगातार बैलेंस रखिए, कोशिश कीजिए कि चक्र हमेशा बैलेंस रहें। अगर ये बैलेंस रहेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी बैलेंस रहेगी, आपका लाइफ बैलेंस रहेगा और उसके बाद ही आप आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।